कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ जगह द्रास बर्फ और सर्दी के लिए मशहूर है, जो खिते लद्दाख का सदर दरवाजा माना जाता है। द्रास एक खुशहाल और पुरामन इलाका है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने धोखे से वार करके इन पुरामन इलाके के लोगों की नींद और चैन छीन ली, जिसकी मिसाल 1999 की जब ऑपरेशन विजय है। दुश्मन के घुसपैठियों का जवाब हमारे वीर जवानों ने इस तरह दिया कि आइंदा दुश्मन आंख उठाकर देने से पहले 10 बार सोच लेगा। उन्नीस की जंग ऑपरेशन विजय के बाद करगिल जिले ने तरक्की की तरफ एक नई उड़ान भर ली। रोजगार के मौके मिले, जिनमें ज्यादातर तादाद बैरून रियासत के मजदूर बिहार, उत्तराखंड और नेपाल से थे। इन नेपाली मजदूरों को ज्यादा काम आर्मी की अग्नि चौकियां आउट पोस्ट में मिलता था, जहां अच्छी खासी तनख्वाह मिलती। विंटर में तो ज़्यादा कठिनाई रहती है, वैसे ऊपर तो जान हथेली में ले कर चलने वाली बात है, पर पैसे थोड़ा पेमेंट ज़्यादा मिल जाता है, इसी लालच में हम ऊपर जाना पड़ता है। अगर हम नहीं गए तो फिर काम भी नहीं चलता है, तो हमको ऐसा लगता है जैसे नौकरी छोड़ के भाग जाएं, पर उनको भी करना पड़ता है कुछ देश के लिए, कुछ अपने बच्चों के। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, डर गलियाओं को आर पार देखिए जी, जैसे पहले तो सभी कारगिल के लोगों को मेरी खुश आमदीद। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस हॉस्पिटल में आए हैं और अपने एक जो पेशेंट है रित बहादुर करके, उसके बारे में। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि कारगिल जैसी जगह में, जहाँ पे आप देखोगे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आप देखोगे तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा J&K का, जहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने एक अंडर ऑप सद्भावना के अंडर जो एक बेड़ा उठाया हुआ है, जिसमें कि हम यहाँ के फार फ्लंग एरिया के लोगों की लुक आफ्टर करते हैं, उनको फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रित बहादुर जो है, ये एक नेपाली जो बशिंदा है जो